हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हैरोल्ड पिंटर के वर्क दी बर्थडे पार्टी के बारे में। अगर आप हैरोल्ड पिंटर की बायोग्राफी, वर्ड्स और उनके वर्ड्स की थीम्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो का लिंक दिया हुआ है जिसमें राइटर से जुड़े कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। अब शुरू करते हैं आज का वर्क। दी बर्थडे पार्टी हैरोल्ड पिंटर का फर्स्ट फुल लेंथ प्ले था जिसे सबसे पहले 1959 में एनकोर पब्लिशिंग द्वारा लंदन में पब्लिश कराया गया था। इसका जॉनरा है कॉमेडी ऑफ मिनिस और थिएटर ऑफ एब्सर्ड। कॉमेडी ऑफ मिनिस टर्म डेविड कैम्पटन के वन एक्ट प्लेस के कलेक्शन द ल्यूनेटिक व्यू का सबटाइटल था। सबसे पहले 1958 में इरविन वॉर्डन ने इसे पिंटर के वर्क द बर्थडे पार्टी के लिए ही यूज किया था। इस जॉनर की प्लेस की बिल्डिंग काफी सिंपल और इनोसेंट सिचुएशंस से होती है जो बाद में थ्रेटनिंग और एब्सर्ड हो जाती है। दोनों ही वर्ड्स बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जैसे कॉमेडी टर्म इटसेल्फ काफी अम्यूजिंग है और इसके अपोजिट मीनस किसी डेंजर या थ्रेट को दिखाता है। पिंटर के डायरेक्टर्स के कन्वर्सेशंस में हमें इसी कॉमेडी और मीनस का ब्लेंड दिखाई देता है। ये वर्क थिएटर ऑफ एब्सर्ड का भी परफेक्ट एग्जाम्पल है। एब्सर्ड डिस्प्लेज मॉडर्न एज में प्रिवलेंट मीनिंगलेस और इरेशनैलिटी को दिखाते हैं। इस प्ले में भी कैरेक्टर्स आइसोलेटेड हैं, लोनली हैं, उन्हें अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढने में दिक्कत होती है और इसीलिए द बर्थडे पार्टी कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स और द थिएटर ऑफ एब्सर्ड का परफेक्ट ब्लेंड शो करता है। पिंटर ने कॉमेडी ऑफ मीनिंग्स जॉनरा में मेजर तीन प्लेज लिखे थे, द बर्थडे पार्टी, द केयर थिएटर, द होमकमिंग। द बर्थडे पार्टी में हमें पिंटर के स्टाइल पिंटरेस्ट के काफी सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। इस तरह के स्टाइल में पिंटर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस तो दिखाते हैं लेकिन वो काफी ज्यादा सिंपल डे टू डे लाइफ की लैंग्वेज का यूज करते हैं। थ्रेट्स, एब्सर्डिज्म और कई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को काफी सिंपल लैंग्वेज और पॉजेस के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। पिंटर के इस तरह के प्लेस में हमें एम्बिगुअस आइडेंटिटी, टाइम और प्लेस का कंफ्यूजन, क्योस और एब्सर्डिटी दिखाई देती है। अब जान लेते हैं इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहला कैरेक्टर आता है स्टैनली वेबर का। ये एक फॉर्मर पियानिस्ट था जिसकी एज 35 से 40 साल के बीच में थी। ये काफी लेजी था और काफी डल कैरेक्टर के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है। मेडपोल्स ये एक मिडिल एज वुमन थी जो एक बोर्डिंग हाउस में अपने हस्बैंड पीटी के साथ रहती थी। उसे रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछने की आदत थी। उसे कोई भी बात कंफर्म करने में या डिसीजंस लेने में काफी दिक्कत होती थी। उसे लोगों का अटेंशन गैदर करने में अच्छा लगता था और उसके स्टैनली के साथ रिलेशनशिप में हमें कहीं कहीं सेक्सुअल अट्रैक्शन के ट्रेसेस भी दिखाई देते हैं। पीटर बोल्स ये मैट का हस्बैंड था। वो काफी क्लेवर था। वो गोल्डबर्ग और मैकैन को देखते ही समझ जाता है कि ये लोग भरोसे के लायक नहीं हैं। वो जितना दिखते थे उससे ज्यादा खतरनाक और विश्वासघाती थे। एक वो ही था जो स्टैनली की बाकी में परवाह करता था और उसे ही सबसे पहले स्टैनली की पर्सनैलिटी में बदलाव भी दिखाई देता है। नेक्स्ट डायरेक्टर आता है लुलू का। ये एक यंग और एनर्जेटिक वुमेन थी। वो बहुत ही चाइल्डिश और फ्लर्टेशियस थी। स्टार्टिंग में वो स्टैनली की तरफ अट्रैक्टेड थी लेकिन बाद में वो गोल्डबर्ग की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। गोल्डबर्ग एक ज्यूइश मैन था जिसे साइमी और बेनी के नाम से भी बुलाया जाता था। देखने पर वो ऐसा लगता था कि वो बहुत ही जेंटल, काम और सेल्फ कॉन्फिडेंट है लेकिन धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी के काफी सारे फोल्ड्स और डार्क साइड्स रिवील होते हैं। हमें उसकी अग्रेसिव पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। लास्ट डायरेक्टर है मैकैन का। डर्मोट मैकैन एक आयरिश मैन और गोल्डबर्ग का असिस्टेंट था। गोल्डबर्ग ने उसे स्टैनली को बोर्डिंग हाउस से दूर ले जाने के लिए अपॉइंट किया था। उसमें किसी भी तरह की सोशल स्किल्स नहीं थी। इस प्ले के स्ट्रक्चर में हमें तीन एक्ट्स देखने को मिलते हैं, एक्ट वन, टू और थ्री। सबसे पहले आता है एक्ट वन।
इसका पहला सीन ओपन होता है इंग्लिश सीसाइड बोर्डिंग हाउस के लिविंग रूम में, जहां पर हमें मैट दिखाई देती है। मैट अपने हस्बैंड पीटर को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही होती है। पीटर टेबल पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वो दोनों कुछ डल कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे वेदर और न्यूज़ के बारे में वो बात करते हैं। मैट पीटे से पूछती है कि क्या उसने स्टैनले को देखा है, क्या वो नीचे आ गया है। उसे स्टैनले का पियानो बजाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। पीटे उसे बताता है कि लास्ट नाइट उसने दो लोगों से बात की थी। वो दोनों लोग उसके घर रहने आने वाले थे। उन्हें कुछ दिन के लिए एक रूम चाहिए था। इसी बीच में स्टैनले भी अपने कमरे से बाहर निकलता है और नीचे आ जाता है। जब पीटे काम पर चला जाता है तो स्टैनले मैट के खाने को कॉम्प्लीमेंट करता है। वो टोस्टी बनाई हुई ब्रेड को सटलेंट बुलाता है, जिससे इम्प्रेस होकर वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन स्टैनले उसके बाद उससे इल बिहेव करता है और उसकी इंसल्ट भी करता है। ये पूरा कन्वर्सेशन साइमल्टेनियस फ्लर्टिंग और आर्ग्यूमेंट से भरा हुआ था। मैट सारे सब्जेक्ट को चेंज कर देती है और उससे कहती है कि दो लोग वहां पर रहने के लिए आ रहे हैं, जिसे सुनकर स्टैनले परेशान हो जाता है और सोचता है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो लोग यहाँ पर रहने नहीं आएंगे। उसके बाद मैट और स्टैनले उसके पियानो के बारे में बात करने लगते हैं कि किस तरह से स्टैनले को पियानो बजाना अच्छा लगता था और वो एक पियानिस्ट था। वो मैट को एक कॉन्सर्ट के बारे में बताता है, लेकिन ये भी क्लेम करता है कि वो कॉन्सर्ट कुछ नहीं, एक डिजास्टर था, क्योंकि उस समय किसी ने उसके साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक किया था। उसने उसे डोर के अंदर लॉक कर दिया था, जिसके बाद वो बहुत परेशान हुआ। हालांकि उसके बाद वो वहां से भाग गया, और जब वो वहां से भागा उसके बाद से ही वो मैट और पीछे के साथ रह रहा था। मैट थोड़ी देर के लिए वहां से चली जाती है, तभी उसकी फ्रेंड लुलू वहां पर एक पार्सल लेके आती है। लुलू स्टैनले की तरफ अट्रैक्ट होती है और उससे बात करना शुरू करती है। हालांकि वो स्टैनले को ये भी कहती है कि उसके अंदर किसी भी तरह का एंथुजियाज्म नहीं है, उसका अपीयरेंस भी कुछ खास नहीं है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। तभी वहां पर हमें मैकेन और गोल्डबर्ग दिखाई देते हैं, जो कि फ्रंट डोर से अंदर आते हैं। वो यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम दोनों सही घर में आए हैं। तभी मैट आ जाती है वहां पर और गोल्डबर्ग को वेलकम करती है। वो दोनों स्टैनले के बारे में बात करते हैं। इस समय स्टैनले वहां पर मौजूद नहीं था। मैट गोल्डबर्ग को बताती है कि वो लोग उसके लिए बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में स्टैनले को कुछ भी पता नहीं है। मैट गोल्डबर्ग और मैकेन को स्टैनले के बर्थडे के बारे में उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। गोल्डबर्ग इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। स्टैनले को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो काफी ज्यादा अपसेट है। मैट उसे चीयर अप करने की बहुत कोशिश करती है। स्टैनले डिनाई तो करता है कि उसका बर्थडे नहीं है, लेकिन फिर भी वो पार्सल खोलता है जो लुलू उसके लिए लेके आई थी। उसे एक ड्रम मिलता है। स्टैनले उसकी रोप को अपने नेक के ऊपर बांध के ड्रम बजाने लगता है और पूरे घर में घूमने लगता है। इसी के साथ ये एक्ट खत्म होता है। इसके बाद आता है एक्ट टू। हमें एक्ट टू में शाम की सेटिंग देखने को मिलती है। मैकेन न्यूज़पेपर को श्रेड कर रहा था। वो उसे 5 इक्वल स्ट्रिप्स में काट रहा था। स्टैनले मैकेन और गोल्डबर्ग से कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और यहाँ पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता। स्टैनले मैकेन और गोल्डबर्ग के सामने काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन मैकेन उसे जाने नहीं देता है और उसे कहता है कि आज तो तुम्हारी बर्थडे की पार्टी है। स्टैनले ये समझने की कोशिश करता है कि शायद मैकेन से वो कहीं ना कहीं तो मिला है, लेकिन मैकेन इस बात से साफ मना कर देता है। तभी स्टैनले को पता चलता है कि मैकेन आयरिश है, तो वो उससे अपने साथ अपने पास से ही पब में जाने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन उसी समय पीटे और गोल्डबर्ग वहां पर आ जाते हैं और कन्वर्सेशन को इंटरप्ट कर देते हैं। गोल्डबर्ग स्टैनले से उसके पास्ट और चाइल्डहुड के बारे में क्वेश्चन करना शुरू करता है।
उनके क्वेश्चंस धीरे धीरे एम्बिगुअस और मीनिंगलेस हो जाते हैं। गोल्डबर्ग और मैकेन स्टैनले को बहुत सारे क्राइम्स का दोषी मान रहे थे, जैसे उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया था या शायद उसने अपनी वाइफ का मर्डर भी किया था। गोल्डबर्ग और मैकेन बार बार स्टैनले को फोर्स करते हैं कि वो गिल्टी है, उसने बहुत गलत काम किए हैं। वो उसको गिल्टी फील करवाने के लिए बार बार क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। उनके क्वेश्चंस कभी कभी आउटलैंडिश होते थे, अजीबोगरीब होते थे, ल्यूडिक्रस होते थे। इस पूरे कन्वर्सेशन के थ्रू पिंटर सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि किसी को भी गिल्टी पोर्ट्रेट करना बहुत आसान होता है। गोल्डबर्ग और मैकेन को स्टैनले के बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे फोर्स करते हैं और ये एक्सेप्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि वो गिल्टी है और उसने अनफॉरगिवन क्राइम्स कमिट किए थे। गोल्डबर्ग उससे कहता है, यू स्टिंक ऑफ सिन, डू यू रिकॉग्नाइज एन एक्सटर्नल फोर्स। फाइनली गोल्डबर्ग और मैकेन स्टैनले से पूछते हैं कि पहले चिटन आया या एड। इस तरह के अजीबोगरीब क्वेश्चंस के बाद स्टैनले फाइनली चिल्लाने लगता है। गोल्डबर्ग इसका रिप्लाई करते हुए कहता है, यू आर डेड, यू कैंट लिव, यू कैंट थिंक, यू कैंट लव, यू आर डेड, यू आर अ प्लेट गॉन बैड, देयर इज नो जूस इन यू, यू आर नथिंग बट एन ऑर्डर। उसके इतना कहते ही स्टैनली वापस सेंसेस में आ जाता है और गोल्डबर्ग को बहुत बुरी तरह हिट रहता है। वो दोनों कुछ भी रिएक्ट कर पाते इससे पहले ही मैड वहां पर आ जाती है और वो भी स्टैनली को दिया हुआ ड्रम बजा रही थी। मैड ने एक इवनिंग गाउन पहन रखा था और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी शुरू हो गई है। इसके बाद वो लोग लाइट को बंद कर देते हैं और सारी लाइट स्टैनली के फ्राइटेंड फेस पर डालते हैं कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे ही लूलू वहां पर आती है, लाइट्स को फिर से ऑन कर दिया जाता है। मैड स्टैनले के साथ डांस करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे रिफ्यूज कर देता है। इसके बाद लूलू और गोल्डबर्ग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और गोल्डबर्ग लूलू के साथ फ्लर्ट करता है। थोड़ी देर के बाद मैड ये सजेस्ट करती है कि चलो हम लोग ब्लाइंड मैन्स बफ खेलते हैं। इसमें एक पर्सन को ब्लाइंड फोल्ड होना था और दूसरे को ढूंढना था। जैसे ही ये गेम शुरू होता है, उसी समय मैकेन स्टैनले के ग्लासेस तोड़ देता है और उसे नीचे गिरा देता है। स्टैनले मैट पर अटैक कर देता है और उसका गला दबाने लगता है, जिसके बाद गोल्डबर्ग और मैकेन तुरंत उसे रोक देते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे जाने देते हैं, लाइट्स ऑफ हो जाती है, किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक सबको एक चीट सुनाई देती है जो कि लूलू की थी। लाइट्स ऑन होने पर सब देखते हैं कि स्टैनले लूलू के साथ मिसबिहेव कर रहा था। गोल्डबर्ग और मैकेन उसे पुश करते हैं और उसे दूर हटा देते हैं, जिसके बाद स्टैनले पागल की तरह बहुत जोर से हंसने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। भले ही वो पहले गिल्टी नहीं था, लेकिन अब वो वैसा ही बिहेव कर रहा था जैसे कि गोल्डबर्ग और मैकेन उसे काफी टाइम से ब्लेम कर रहे थे। ये हमें ये भी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि शायद उनके हार्श स्टेटमेंट्स ने ही स्टैनले का पर्सोना बदल दिया था और अब उसे वाकई में क्रिमिनल बना दिया था, तभी तो उसने मैड और लूलू पर अटैक किया। यहीं पर एक्ट टू खत्म होता है और एक्ट थ्री शुरू होता है। एक्ट थ्री शुरू होता है अगली सुबह। हमें सेम वही सीन दिखाई देता है जो हमें एक्ट वन में दिखाई दिया था। पीछे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और मैट उसे टी सर्व कर रही थी। मैकेन और गोल्डबर्ग अपना ब्रेकफास्ट कर चुके थे। मैट स्टैनले के लिए बहुत ज्यादा वरीड थी कि वो आज ब्रेकफास्ट के लिए नीचे भी नहीं आया। जब मैट बाहर देखती है तो उसे एक कार दिखाई देती है। वो उससे पूछती है कि ये किसकी कार है। पीटर कहता है कि वो गोल्डबर्ग की कार है। वो उसे शो करता है कि हाँ, वो उसी की कार है। इसी समय गोल्डबर्ग नीचे आता है। वो एक्सप्लेन करता है कि स्टैनले को एक बहुत बुरा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है पार्टी के दौरान। पीटर उसे बताता है कि अगर स्टैनले को ज्यादा देर तक ऐसा ही फील होता है या वो अगर अच्छा फील नहीं करता है
तो उसे जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन गोल्डबर्ग और मैकेन दोनों मना कर देते हैं कि अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट वो तो ये भी नहीं चाहते थे कि स्टैनली नीचे आए। इसके बाद लुलू एंटर करती है और वो गोल्डबर्ग पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। वो सबसे कहती है कि गोल्डबर्ग ने उसका एडवांटेज लेने की कोशिश की है, लेकिन गोल्डबर्ग स्वेयर करता है कि उसने तो कभी किसी औरत को छुआ तक नहीं, वो उसके साथ इल बिहेव कैसे कर सकता है। लुलू क्लेम करती है कि उसका जो पहला लवर था एडी, वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल था, लेकिन गोल्डबर्ग उससे बिल्कुल अपोजिट है। उसने उसका यूज किया है और उसका फायदा उठाया है। उसी समय मैकेन वहां पर आता है और लुलू को टॉन्ट करता है। वो उससे अपने गुनाह कबूल करने के लिए कहता है। ये वैसा ही था जैसे इन दोनों ने स्टैनली के साथ किया था। लुलू फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चली जाती है। वो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। वो कहती है शी हैज सीन एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, शी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। लुलू का कन्फेशन नहीं होता और लुलू के बारे में इसके बाद कोई भी बात नहीं होती है। मैकेन थोड़ी देर के लिए वहां से चला जाता है और वापस लौटता है स्टैनली के साथ। स्टैनली एक नीट एंड क्लीन सूट में दिखाई देता है। उसने कॉलर्ड शर्ट पहन रखी थी। स्टैनली को देखकर ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से डिफीटेड था। गोल्डबर्ग और मैकेन कंटिन्यूअसली स्टैनली से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन स्टैनली इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इतना ज्यादा शॉक्ड था कि वो कुछ भी नहीं बोल सकता था। उसी समय पीछे वहां पे आ जाता है। गोल्डबर्ग और मैकेन स्टैनली को वहां से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी पीछे उनको रोक देता है और स्टैनली से कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। पीछे बहुत ज्यादा एंट्री था और स्टैनली को छोड़ देने के लिए कहता है। पीछे चिल्लाता है स्टैन डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू। लेकिन जब दोनों इस बात से मना कर देते हैं तो पीटे अपनी टेबल पर बैठ जाता है। मैड एंटर करती है और पीटे से गोल्डबर्ग और मैकेन के बारे में पूछती है। पीटे कन्फर्म करता है कि हाँ वो यहाँ से चले गए हैं। मैड स्टैनली के बारे में पूछती है और पीटे उससे झूठ बोल देता है कि वो अभी भी सोया हुआ है। लास्ट में जब गोल्डबर्ग और मैकेन स्टैनली को ले जाते हैं तब ऐसा लगता है कि इस बोर्डिंग हाउस में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मैकेन जो न्यूज़पेपर की स्ट्रिप्स छोड़कर गया था उससे पूरे कियोस्क का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलता है और यहीं पर ये प्ले खत्म होता है। आइए अब जान लेते हैं इस वर्ड की थीम्स के बारे में। एम्बिग्युटी एंड एब्सर्डिटी। इस प्ले में एब्सर्डिटी की थीम दिखाई देती है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड टर्म सबसे पहले कॉइन किया था मार्टिन एस्लिन ने। एब्सर्डिस्ट प्लेज मॉडर्न एज में प्रिवलेंट मीनिंगलेसनेस और इरेशनैलिटी को दिखाते हैं। इस प्ले में भी कैरेक्टर्स आइसोलेटेड और लोनली हैं। हमें उनकी लाइफ का इम्बैलेंस साफ दिखाई देता है। कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ में भी हमें एम्बिग्युटी दिखती है। इसमें हमें किसी भी कैरेक्टर के पास्ट का सही और एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, इसीलिए इसमें एम्बिग्युटी और एब्सर्डिटी दिखाई देती है। एलिनेशन एंड लोनलीनेस। इस पूरे प्ले का सबसे आइसोलेटेड कैरेक्टर स्टैनली था। उसे बाहर की दुनिया से कोई भी मतलब नहीं था। दूसरा कैरेक्टर था मेट्रा। वो अपने चीयरफुल एटीट्यूड के पीछे अपने लोनलीनेस को छुपाने की काफी कोशिश करती थी और इसीलिए वो चाहती थी कि लोग हमेशा उसके आसपास रहें। अगली थीम है गिल्ट एंड एटोनमेंट की। गिल्ट और एटोनमेंट की थीम पूरे प्ले में प्रिवेलेंट है। मैकेन और गोल्डबर्ग स्टैनली और लुलू दोनों को ही गिल्टी प्रूफ करना चाहते थे। ये क्लियर नहीं था कि वो वाकई में गिल्टी था कि नहीं, लेकिन उन्होंने उसे मजबूर कर दिया ये समझने के लिए कि वो गिल्टी है, उसने कोई बहुत ही बुरा क्राइम किया है। इसी तरह से मैकेन लुलू को भी फोर्स करता है कि वो अपने आप को गिल्टी समझे और अपने क्राइम्स को एक्सेप्ट करे और कन्फेशन करे। अगली थीम आती है वॉयलेंस की। दीपर्ति पार्टी में हमें इमोशनल और फिजिकल वॉयलेंस की ट्रेसेस साफ दिखाई देती है। स्टैनली गोल्डबर्ग मैकेन सभी में वॉयलेंस का डिपिक्शन किया गया है।
इस पूरे वर्ड में लैंग्वेज को वॉयलेंस को डिपिक्ट करने का सबसे पावरफुल टूल बनाया गया है, जो कि इंटरोगेशन के समय इटसेल्फ वॉयलेंस को प्रमोट करती है। अगली थीम है सेट्स की। इस प्ले में कहीं कहीं सेक्सुअल टेंशन भी देखा जा सकता है। मैड और स्टैनली का रिलेशनशिप पॉसिबली इट सेक्सुअल रिलेशनशिप था और इसी की वजह से स्टैनली फ्रीली मैड को टॉन्ट करता था, उसे अब्यूज करता था। गोल्डबर्ट भी स्टैनली को ब्लेम करता है कि वो वुमेन के लिए काफी ज्यादा अब्यूजिव था। तो ये थी द बर्थडे पार्टी की स्टोरी, करेक्टर्स और थीम्स। आई होप आपको ये पूरा वर्ड समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इंक लिट शेल्फ। थैंक यू सो मच।